अस्सलाम वालेकुम मेरी किचन क्वींस, क्या हाल है आप सबका। ये मेरी पहली वीडियो है तो आई होप यू लाइक इट। और सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। कमेंट बताइएगा कि कैसा है, कैसा बना है। तो हमने पालक चिकन बना रही हूँ मैं, तो हमने प्याज लिए 2 अदद, टमाटर लिए हैं मैंने 3 अदद, और पालक लिए आधा किलो, और चिकन ली है मैंने आधा किलो से थोड़ा सा कम, मैंने छोटे क्यूब्स कर लिए थे। और ये है जी अपना लहसुन चॉप किया हुआ। पतीली हमारी गर्म हो चुकी है तो अब हम इसमें डालेंगे ऑयल। ये 1/2 कप ऑयल है, अच्छे से गर्म हो जाए तो अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला, ज़ीरा, और अपना छोटे छोटे जो हैं अब काले मिर्च, साबुत काले मिर्च। और अब हम इसके इसको अच्छे से जो है सौते कर लेंगे। अच्छे से सौते हो जाए ताकि ऑयल के अंदर जो है इसका रस जो है सही से निकल जाए, अच्छा फ्लेवर आता है इससे काफ़ी। और सर्दियाँ हैं तो आप मुझे बताइएगा कि आप लोग क्या क्या बना रहे हैं घर में। तो जी अब हम इसमें डालेंगे प्याज, बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे। तो आप लोग जिस तरह प्रेफर कर सकते हैं प्याज उस तरह डालें, आप लोग चॉप डाल सकते हैं चॉप डालें, और जिस तरह आप लोग डालना चाहें उस तरह डाल सकते हैं। इसका बस ये कि अच्छे से मैं सौते कर लूँगी कि ये ट्रांसपेरेंट सी जब होने लगेगी तो फिर मैं इसके अंदर लहसुन डालूँगी, इसका प्याज का और अपना लहसुन का बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। जी जी मैंने डाल दिया है लहसुन, लहसुन जा चुका है जी इसके अंदर। अब मैं इसको अच्छे से जो है सौते कर लूँगी। ये देख लीजिए प्याज भी जो है ट्रांसपेरेंट होने लगी थी तो मैंने लहसुन डाल दिया इसके अंदर, अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएगी। तो मैं दिखाऊंगी आपको जब ये अच्छे से जो है ना गोल्डन ब्राउन हो जाए। ये कि हल्का सा चम्मच चलाते रहें इसको लगे ना नीचे। तो जी ये देखिए जी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे चिकन। चिकन डाल के जी अच्छे से भून लीजिए 5 मिनट तक मैक्स, क्योंकि चिकन अपना पानी छोड़ती है तो चिकन का ये कि भूनना ज़्यादा ज़रूरी है। चिकन का पानी रह जाए तो बहुत अजीब सा टेस्ट हो जाता है सालन का, किसी भी चीज़ का आप जो भी बनाते हैं। तो ये कि ये देखिए जी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है भून के, ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है, उसका पानी बिल्कुल सूख चुका है चिकन का। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इस वक्त मेरे किचन में गरम मसाले की, प्याज की और लहसुन की साथ साथ। तो जी अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। टमाटर को मैं अच्छे से चला लूँगी इसके अंदर, चम्मच सही से इसका चला लूँगी ताकि ये कि टमाटर जो है टमाटर भी अपना पानी छोड़ दें। अच्छे से जो है इसको मिक्स करके टमाटर को ऊपर नीचे करके, ये देखिए जी अब मैं इसको ढक दूंगी अच्छे से ताकि टमाटर अपना पानी छोड़ दें और फुसफुसे से जो हो जाते हैं हमारी लैंग्वेज में जो कहा जाता है देसी। तो लीजिए जी टमाटर वो फुसफुसे हो चुके हैं, पानी छोड़ चुके हैं। अब हम हल्दी डाली है मैंने 1 चम्मच, 1 चम्मच मैंने डाली है लाल मिर्च, और 1 ही चम्मच जाएगा नमक, क्योंकि पालक में ऑलरेडी नमक होता है तो मैं नमक में कम डाल रही हूँ। और अब मैं इसमें डालूँगी पानी थोड़ा सा ताकि जो है चिकन हमारा गल जाए अच्छे से और टमाटर भी जो है और अच्छे से गल जाए। ढक दिया है मैंने इसको 5 से 10 मिनट के लिए। ये देखिए जी अब मैंने खोला है ढक्कन तो अच्छे से जो है चिकन भी गल रहा है उसकी उस डैट। ये देखिए जी टमाटर तो पूरे ही गल चुके हैं ना, ये देखिए जी पानी भी इसका भी सुखाना है, इसको अच्छे से भूनना है हमने, फ्लेम हम तेज़ कर लेंगे। ये देखिए जी फ्लेम हाई हो चुकी है, अब हम इसको भुनाई करेंगे जब तक ऑयल ऊपर नहीं आ जाए, फिर हम डालेंगे इसके अंदर पालक, लास्ट स्टेप हमारा पालक है। अच्छे से भुनाई चल रही है जी, इसको अच्छे से भून लेंगे जब तक जो है ऑयल ना आ जाए। अब हम इसमें डालेंगे पालक,
एक्चुअली मैंने आधा किलो से थोड़ी सी कम ली थी, क्योंकि हम दो फर्द हैं तो हमारे लिए इतना काफ़ी है। मेरे हस्बैंड के लिए लंच भी हो जाता है और हमें भी हो जाता है पूरा, नहीं तो फिर रखे रहो तो वो वेस्ट होता है खामा खाई का, खाया नहीं जाता फिर दूसरे दिन। खैर जी, अब मैंने इसमें डाल दिया पालक और इसको मैंने ढक दिया है। चलिए जी, अब पालक जो है अपना पानी छोड़ेगी, फिर देखते हैं। ये देखिए जी, पालक ने अपना पानी छोड़ दिया है अच्छे से, और बिल्कुल जो है ना, ओ एक्सक्यूज दैट, बिल्कुल धुआं आ गया। ये देखिए जी, पालक ने अपना अच्छा सा पानी छोड़ दिया है, और अब इसको हम भुनाई करेंगे, अच्छे से भुनेंगे, जितना भून सकती हैं आप भुनें, मतलब बिल्कुल बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है, और अच्छे से जो है ना इसका फ्लेवर आ जाता है, जितना भुनेंगे उतना अच्छा टेस्ट आता है इसका। ये देखिए जी, बिल्कुल अच्छे से भुन चुका है ये। ये देखें, ऑयल भी ऊपर आ गया है, बहुत मज़े का लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा। मैंने और मेरे हस्बैंड ने खा लिया था तो हमें बहुत मज़े का लगा था। ये देखिए जी, इसकी फाइनल लुक, ये पालक चिकन रेडी है जो मैंने सर्व कर दिया है रोटी के साथ, दही के साथ और थोड़ी सी सैलेड। तो आप भी बताइएगा कमेंट में आपको कैसा लगा, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आइए।